सगे भाई ने ही 24 वर्षीय रियाज की हत्या कर शव पनकट बाजार के समीप सिवान में फेंक दिया था। बारकपुर थाना क्षेत्र में हुए इस हत्याकांड का राजफास पुलिस ने महज 2 दिन के भीतर ही कर दिया। हत्यारोपी सगा भाई शहर कोतवाली के आसिफगंज निवासी फैयाज और उसके 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बुधवार को पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि ने मीडिया के सामने गिरफ्तार आरोपियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। बताया कि दुकान और मकान के विवाद में ही सगे भाई ने रियाज की हत्या कर दी। 27 अगस्त को एक लाश मिली थी जिसका सर कुचला हुआ था और मृतक का नाम रियाज था। इस संबंध में मुबारकपुर थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके 36 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ अभियोग का अनावरण किया है बल्कि हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। इसके हत्या के पीछे इसके सगे भाई का हाथ है और दुकान का एक विवाद था। रियाज का सगा भाई है फयाज, तो फयाज सब्जी की दुकान का लालच जो है नीरज और जो है पंकज ये 2 सोनकर भाई हैं इनको दिया और कहा कि अगर हत्या ये कर दोगे तो ये दुकान मैं तुमको दे दूंगा। और हत्या करने के लिए उसने 4,000 रुपये भी दिए कि उसको शराब पिलाओ और उसी जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी उसी के पास एक शराब की दुकान है, वहाँ से उन्होंने शराब ली और शराब पिलाई। शराब पीने के उपरांत जो है उसका गला दबा करके हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत एक लकड़ी की बेंट से उसके सर पर वार किया जिससे उसके सर पर काफ़ी चोटें आईं। तो अभियुक्तों के निशानदेही पर जो है आला कत्ल बरामद कर ली गई है और जिस मोटरसाइकिल से उसको ले गए थे वो भी बरामद कर ली गई है। और दोनों भाई नीरज और जो है पंकज और फयाज ये 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन्होंने अपना अपराध स्वीकार भी किया है। तो हम लोग आगे की तफ्तीश इसमें कर रहे हैं और इनको कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे। गिरफ्तार आरोपियों में शहर कोतवाली के आसिफगंज निवासी फैयाज के अलावा शहर कोतवाली के ही लाल डिग्गी शंकर जी मूर्ति तिराहे के पास के रहने वाले पंकज सोनकर और नीरज सोनकर शामिल हैं। SP ने बताया कि हत्यारोपी फैयाज ने घटना को अलग मोड़ देने के लिए रियाज के साढ़ू के खिलाफ ही हत्या का FIR दर्ज करा दिया था। हालांकि शहर कोतवाली और मुबारकपुर थाने की पुलिस टीम ने सटीक खुलासा किया और सच्चाई सामने आई। पुलिस टीम को इसके लिए 5,000, 5,000 और 10,000 का पुरस्कार भी दिया जाएगा। पुलिस टीम ने काफ़ी इसमें सूझबूझ से काम किया है और हमारे कुछ कांस्टेबलों ने बहुत इसमें सूझबूझ से काम किया है, तो सभी कांस्टेबलों को 5,000-5,000 रुपये और विवेचक को 10,000 रुपये जो है मेरे तरफ से इनाम। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में प्रगति हेतु नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर ODF से संबंधित समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम प्रधानों से समन्वय बनाकर समूह में एक साथ शौचालय बनवाएं तथा ईंट बालू मोरम की कमी न रखें और सारे शौचालय 30 सितंबर 2018 तक हर हाल में बनवाना सुनिश्चित करें। DM ने कहा कि शौचालय मानक के अनुसार बनवाएं, सेफ्टी टैंक किसी भी दशा में न बनवाएं। समस्त नोडल अधिकारी विस्तृत ब्यौरे के साथ जाएं जिससे बेसलाइन सर्वे में कितने लोगों का नाम है उसकी सूची तथा उससे सापेक्ष कितनी धनराशि भेजी गई है और कितना शौचालय बन गया है कितना बाकी है। इसी के साथ साथ सचिव राशन डीलर प्रधान तथा सफाई कर्मियों के नाम तथा मोबाइल नंबर अपने पास रखें। उन्होंने समस्त नोडल अधिकारियों से कहा कि शौचालय के निर्माण में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यदि कोई गलती करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ कोई प्रधान शौचालय बनवाने में रिश्वत लेने में लिप्त पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर और NSA लगाया जाएगा।
बुधवार की सुबह बड़ी संख्या में दीवानी कचहरी के सामने जुटे अधिवक्ताओं ने रास्ता जाम किया। शहर कोतवाली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई और आरोप लगाया कि कुछ लोग साजिश के तहत एक महिला अधिवक्ता को धोखे में रखकर उसी के घर में जिस्म फरोशी का धंधा चला रहे हैं। कई बार शिकायत हुई लेकिन फिर भी पुलिस आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई से बच रही है। इसी कारण महिला अधिवक्ता के समर्थन में बुधवार को साथी वकीलों ने रास्ता जाम कर नारेबाजी किया। महिला अधिवक्ता शीला गुप्ता ने मीडिया के सामने अपनी व्यथा बयां की। बताया कि एक वकील ने एक महिला को पत्नी बताकर उनके मकान में बतौर किराएदार रखवा दिया था। अब वही महिला कुछ गुंडों को बुलवाकर उन्हीं के घर में जिस्म फरोशी का धंधा करवा रही है। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी हत्या भी कराई जा सकती है। पूरा की मैं निवासी हूँ और मेरे घर में 17 अगस्त को मेरे घर में एक महिला कहकशा को एक कुतुबुद्दीन साहब जो हैं वकील हैं उन्होंने रखवाया। कहा कि यह हमारी पत्नी है और यह जो है आपके मकान में अकेले रहेगी और खर्चा मैं दूंगा और किराया और मैं इसका आधार कार्ड मैं आपको दे दूंगा। जब मैं आधार कार्ड मांगी तो उसने कहा कि आधार कार्ड क्या होगा। जिस दिन रखवाया उसी दिन शाम को वह औरत कहकशा जो इन्होंने नाम बताया कहकशा मुबारकपुर क्षेत्र की निवासी है सोफीपुरा की वह जो है उसी रात दो आदमी को लेकर 10 बजे रात में आई। मैंने कहा कि आदमी मेरे घर में नहीं रहेंगे या अयासी का अड्डा नहीं है। उसके बाद जो है मैं जब लखनऊ चली जाती थी या कचहरी चली जाती थी तो दिन में आदमी को बुलाती थी। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है मेरे किराएदार थे किराएदार उसके लिए बाधा बन रहे थे अयासी में। उन सबों को 27 तारीख को शाम को वह जो है मेरे घर में 6 गुंडों को घुसवा दिया। कुतुबुद्दीन के सामने मुझे मोबाइल से हाथ में ली थी मेरे आँख में मारा। उसके बाद फिर कोतवाल को मैं फ़ोन की मेरे पास डायल नंबर है 100 को मैंने कॉल किया 1090 को कॉल किया लेकिन किसी ने रविवार का दिन था किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। समय 7 बजे था 3-3 बार मैंने सबको कॉल किया। शीला गुप्ता ने कहा कि शहर कोतवाली पुलिस मदद नहीं कर रही है इसी कारण बात बढ़ सकती है। आखिर शहर कोतवाली पुलिस क्यों मदद नहीं कर रही इस सवाल का जवाब पूरे कचहरी के अधिवक्ता जानना चाहते हैं। सभी ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई प्रमुख मुद्दों को लेकर डीएवी पीजी कॉलेज के शिक्षकों कर्मचारियों ने बुधवार को कॉलेज कैंपस में धरना दिया। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शुरू हुए इस आंदोलन में जमकर नारेबाजी हुई और शिक्षक साथियों ने इस बार निर्णायक लड़ाई का संकल्प लिया। महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह के अलावा डॉ जगदम्बा प्रसाद दुबे डॉ अनिल श्रीवास्तव संत कुमार डॉक्टर शिल्पा त्रिपाठी डॉक्टर बद्री प्रसाद और डॉक्टर अरुण सिंह सहित कॉलेज के कई शिक्षक साथियों ने संबोधन किया और कहा कि पेंशन हमारा हक है इसे हर हाल में लेकर रहेंगे। इस धरने में आशीष विश्वकर्मा धीरज कुमार सहित शिक्षणेत्तर कर्मचारी संगठनों के कई प्रतिनिधि भी शामिल हुए। महाविद्यालय शिक्षक संघ के मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ABC चैनल को बताया कि प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों के शिक्षक व कर्मचारी आंदोलित हैं। पेंशन बुढ़ापे की लाठी है सरकार ने इसे खत्म कर ठीक नहीं किया। अब चाहे जितना सरकार भागे लेकिन हम सभी शिक्षक व कर्मचारी पुरानी पेंशन का अधिकार लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कराया जा रहा है जरूरत पड़ी तो आंदोलन आगे भी चलेगा। शिक्षक और कर्मचारी बंधु यहाँ पर हम अपने अपने संघों की मांग के द्वारा एक सूत्री मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए शासन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं क्योंकि सरकार ने ये जो हमारी बुढ़ापे की लाठी है ये पुरानी पेंशन है इसे 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मियों के लिए बंद कर दिया था और इसे बंद करने के पश्चात हम सब का भविष्य अंधकारमय हो गया था। इसीलिए पूरे प्रादेशिक स्तर पर हम अपने अपने महाविद्यालयों में इस धरने पर बैठे हुए हैं और जब तक सरकार
हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं करेगी। हम लगातार धरना और आंदोलन के द्वारा अपनी मांगों को उनके समक्ष प्रस्तुत। नगरपालिका आजमगढ़ में विकास और साफ सफाई पर भले ही कोई बड़ा काम न हो रहा हो, लेकिन कागजी घोड़े खूब दौड़ाए जा रहे हैं। पता चला है कि आधे से ज्यादा सभासदों को खबर ही नहीं हो पाई, उधर पालिका बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई। इसे कागजी बैठक बताते हुए बुधवार को 16 सभासदों ने कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पालिका अध्यक्षा ने बगैर कोरम पूरा किए ही बैठक संपन्न करा ली, जिसमें जनता के ऊपर फालतू टैक्स थोपने के अलावा कई उलझलूल प्रस्ताव भी पारित करा लिए गए। पूर्व सभासद मुखराम निषाद ने कहा कि बैठक कागजी है, ज्यादातर सभासदों के हस्ताक्षर भी फर्जी ढंग से बना दिए गए हैं। हम जांच की मांग करते हैं और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराया जाए। का मेन उद्देश्य नगर पालिका के भ्रष्टाचार खिलाफ और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हम सभासदों की मुहिम है, हम सभासदों का आंदोलन है। ये इसलिए है कि कल दिनांक 28/8/2018 को नगरपालिका की बोर्ड अध्यक्षता का नगरपालिका परिषद आजमगढ़ और तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती शीला श्रीवास्तव के जो है प्रेस नोट के माध्यम से मालूम चला कि इन्होंने विगत दिनों में बोर्ड की बैठक की है और उन बोर्ड में अपने मनमानी रवैये से अपने भ्रष्टाचारी हुकूमत को चलाने के लिए इन्होंने जो अनाप शनाप विधि पास किए हैं, अनाप शनाप जनता के खिलाफ कर लाते हैं, यह विधि के खिलाफ है। विधि के खिलाफ एक सोचा सासा षड्यंत्र है और जनता पर अनाप शनाप षड्यंत्र लादा जा रहा है, जबकि इस नगर पालिका के मिनी सदन के पदेन सदस्य के रूप में हमारे जो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जो कि सदर के सांसद हैं और माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जो सदर विधानसभा के विधायक हैं, राकेश सिंह गुड्डू जो कि यहाँ के निवर्तमान MLC हैं, यह लोग भी इस सदन में शामिल होने चाहिए, जबकि विधानसभा का सेशन चलने के कारण यह लोग इस सेशन में नहीं थे, इसलिए मिनी सदन चलने ही नहीं चाहिए। लेकिन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और भ्रष्ट नगर पालिका के भ्रष्ट EO और चेयरमैन के द्वारा इस तरह से जो है मनमानी करके नियम और कानून के विरुद्ध, विधि संगत कानून के विरुद्ध एक तरह से जो है नगर पालिका के जनता के ऊपर कर लादा गया है, जो कि न्याय और विधि के खिलाफ है। इसलिए इन दोनों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और जांच करके इन दोनों दोषियों के खिलाफ विधि संगत कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और जिन सभासदों का नाम फर्जी दस्तखत करके कर डाला गया है उनके चलते इनके ऊपर FIR लॉन्च होना चाहिए और मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रसव केंद्रों की प्रगति, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जन्य सुरक्षा योजना, परिवार मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, अनफर्टाइल फंड तथा मिजिल्स रूबेला कैंपेन की समीक्षा की गई, जिसमें जन्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत महाराजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रगति सबसे खराब पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए CMO को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जन्य सुरक्षा योजना में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में मुबारकपुर आजमगढ़ सिटी की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया। इसी के साथ ही आशा भुगतान की भी समीक्षा की गई। उन्होंने समस्त MOIC को निर्देशित करते हुए कहा कि ब्लॉक इकाइयों की सभी कोल्ड चेन पॉइंट पर साफ सफाई, ILR एंड डीप फ्रीजर को लकड़ी के गुटके पर वायरिंग, स्विच बोर्ड सेपरेट स्टेबलाइजर एवं थर्मामीटर साफ सफाई के साथ ही
एग्जॉस्ट फैन आदि उपकरणों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के त्रयोदशा पर भोज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में वैदिक रीति रिवाज के अनुरूप शांति पाठ, ब्राह्मणों के भोज के आयोजन के उपरांत लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री को सभी ने अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सर्वे सर्वा अटल बिहारी सदे अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के पश्चात पूरा नगर, पूरा जिला, पूरा राष्ट्र मर्माहत था, बहुत ही दुखी था, जिसमें हमारे चूँकि नगर अध्यक्ष होने के नाते मैंने जिम्मेवारी लेते हुए अपने यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिस दिन से उनका देहावसान हुआ उस दिन से मैंने अपने दाढ़ी बाल आदि को न बनवाते हुए पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ 10 दिन का कार्यक्रम किया, 10वां किया। आज त्रयोदशा कार्यक्रम पूरे जिले भर के भोजन जो यहाँ प्रसाद मिल रहा है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लामबंद हुए कर्मियों ने अपने 3 दिवसीय आंदोलन कार्य बहिष्कार चाकडाउन पेन डाउन हड़ताल का बुधवार से आगाज कर दिया। रिक्शा स्टैंड पर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले एकजुट कर्मियों ने एक साथ एक स्वर में एक ही मांग एक ही नारा पुरानी पेंशन अधिकार हमारा की आवाज़ बुलंद की। मंच के अध्यक्ष रविंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने कहा कि पेंशन कर्मचारी के वेतन का ही हिस्सा है, सरकार ने इसे खत्म कर कर्मचारियों का हक मार दिया है, उनके बुढ़ापे की लाठी उनसे छीन ली है। पेनडाउन चाकडाउन हड़ताल को सांकेतिक बताते हुए मंच ने कहा कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की तो उसे इसके दूरगामी परिणाम झेलने पड़ेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारी एक हो चुके हैं और अब निर्णायक आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। श्रावणी पूर्णिमा के पावन पर्व को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। दिवस के क्रम में श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का बृहद आयोजन किया गया। सप्ताह के अंतर्गत महाविद्यालय में कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर वंदना द्विवेदी के नेतृत्व में संस्कृत श्लोक पाठ स्वस्वर प्रतियोगिता एवं संस्कृत गीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अंतर महाविद्यालयी इन दोनों प्रतियोगिताओं में जिले के 5 महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। Thank you.
बुधवार को संस्कृत सप्ताह के समापन अवसर पर प्रतिष्ठित संस्कृत आचार्यों विद्वानों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन कर प्रतिभागियों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर वंदना द्विवेदी का कहना था कि आज के समय में उपेक्षित संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने, उसके उन्नयन संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य को लेकर महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया। संस्कृत सप्ताह के अवसर पर हम लोग आज संस्कृत सप्ताह का समापन है और इस अवसर पर हम संस्कृत भाषा का विकास एवं उन्नयन संवर्धन कैसे हो, इसके लिए एक छोटी सी यह मेरा प्रयास है। इसमें हमने दो प्रतियोगिताएं रखी हैं और यह अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसमें 5 महाविद्यालयों ने भाग लिया है और उनके छात्र छात्राएँ यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि संस्कृत भाषा जो उपेक्षित हो रही है, लोग उसको पढ़ने से डर रहे हैं, उसको कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, कैसे सुगम बनाया जाए, संस्कृत भाषा का विकास एवं उन्नयन कैसे हो, यह मेरी प्राथमिकता। अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर लामबंद हुए उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने बुधवार को बीएसए कार्यालय पर धरना दिया। क्रांति नेतृत्व के आह्वान पर यहां एक दिवसीय धरने पर बैठे संघ से जुड़े शिक्षकों ने काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन किया। धरने के दौरान अपनी 8 सूत्री मांगें उठाते हुए संघ ने अनुदान सूची के प्रकाशन, 2005 से पूर्व कार्यरत शिक्षकों को पेंशन का लाभ प्रदान करने की अपनी मांग प्रमुखता से उठाई। धरना हमारा एक प्रांतीय कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में हर जिले में हो रहा है। उसमें हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं। मुख्य मांग हमारी है अनुदान सूची का प्रकाशन। जो हमारे विद्यालय 20 वर्ष से तनख्वाह नहीं पा रहे हैं उनके लिए है, उनके लिए। और 2006 में 1000 विद्यालय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, उसके जितने शिक्षक कर्मचारी हैं वो पेंशन नहीं पा रहे हैं और हम मांग करते हैं सरकार से कि उनको पेंशन दे, क्योंकि वो 2005 के पूर्व नियुक्त हैं।